हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड आज मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली के एक गार्डन में। और दोस्तों ये है तो एक गार्डन, पर ये मुगल गार्डन से कम नहीं है। तो आज इसको एक्सप्लोर करेंगे आज, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के फ्लावर है और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि आपको देख के मज़ा आ जाएगा। और सच में एक बार देख लेना आपने तो आप यहाँ पे ज़रूर आओगे, इस बात की गारंटी है। तो देखते हैं फिर। फ्रेंड ये जो जगह है ना, ये पड़ती है आपका मोती बाग में। और मोती बाग में जैसे आप दोस्तों मोती बाग फ्लाईओवर से डायरेक्टली कोटिली मार्ग की तरफ आओगे, जो डायरेक्टली जो रास्ता निकल रहा है, और वहाँ से जब रेल म्यूजियम आप क्रॉस करोगे तो आगे जाके ये लेफ्ट साइड में पार्क है और यहीं पे पड़ता है। इतना ब्यूटीफुल पार्क है कि दोस्तों क्या बताऊँ, इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं यहाँ पर, इतने अच्छी तरीके से सजाया गया है ना कि सच में रोज गार्डन से कम नहीं है ये भी। तो फ्रेंड ये है वो वाइट रोज, और ये साइड में भी वाइट रोज है, और इस साइड से स्टार्ट करते ही यहाँ पे ये रेड रोज है, आप देख सकते हैं। तो ये है फ्रेंड सामने मेरे, ये आपका येलो रोज, और इसमें पिंक भी है, इसमें रेड भी है, और सामने ये पूरा पिंक रोज है, और सामने वाइट रोज है इस साइड। ये पूरा एक तरीके से ये रोज का गार्डन बनाया गया है एक तरीके से। आप देख रहे हैं हर तरफ से अभी ये फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं, और हर तरह के फ्लावर्स हैं यहाँ पे, हर कैटेगरी के फ्लावर्स हैं। हम इस साइड जाके देखेंगे, बाकी एक बार हम अंदर चलते हैं और अंदर से दिखाता हूँ आपको एक व्यू इसका, जो काफ़ी अच्छा सा व्यू है। तो फ्रेंड अब मैं आ गया हूँ इस पार्क के बिल्कुल अंदर की साइड, और दोस्तों अब जो नज़ारा दिखाने वाला हूँ ना, सबसे मज़ा आ जाएगा आपको। एक बार मेरे पूरा व्यू देख सकते हैं आप, ये इस साइड का, ये मेरे बैक साइड का व्यू है, और इस साइड से ये इस साइड का, ये इस साइड का बैक साइड का व्यू है, और इस साइड का दोस्तों देखिए कितना प्यारा सा व्यू आपको देखने को मिलेगा, और इस साइड देखिए दोस्तों ये इस साइड बैक साइड का। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हो आप कितना ज़्यादा एक तरीके से ये पानी के जो शावर्स वगैरह लगे हुए हैं, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा मूवमेंट है। तो फ्रेंड एक बार तो आना ज़रूर बनता है, सामने आप एक बार ज़रूर आइए अपने फ्रेंड वगैरह के साथ, और देख रहे हो कितना प्यारा सा मूवमेंट है। बाकी हम आगे चल के एक मैं आपको एक पूरा 360 व्यू राउंड सर्कल में देखेंगे कैसा एक्सपीरियंस है इसका, और ऑल डैट जो भी है। फ्रेंड हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और चलते हैं आगे की तरफ, और मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ इसका, जो पूरा बैक साइड का व्यू है। तो ये फ्रेंड इस साइड का व्यू, इस साइड में ये शावर चल रहे हैं, कितना प्यारा सा मूवमेंट है आप देख रहे हो, और ये पूरा इसके बैक साइड का व्यू भी कैप्चर हो रहा है। तो हम यहाँ से चलते हैं एक बार, और ये इसके लेफ्ट साइड का व्यू है इस साइड में, इस साइड का जो भी व्यू होगा बैक साइड में। और इधर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये कि पूरा अंदर तक ये बना हुआ है, तो हम इसके अंदर चलते हैं, और यहाँ से आप ये साइड का व्यू भी देख सकते हो पूरा इस साइड का। और ये मेरे जो बैक साइड में ये फ्लावर चल रहे थे, फ्लावर इस साइड का फ्लावर है, और इधर से हम अगर हम लेफ्ट लेते हैं तो हम यहाँ से लाएंगे लेफ्ट, और यहाँ से एक बार हम आगे चलते हैं। ये सामने फ्रेंड आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा एक ग्रुप आए हुआ है यहाँ पे, और ये सब इन्जॉय कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट है। तो फ्रेंड ये है थोड़ा सा अंदर आने के बाद का व्यू इस साइड का, और इस साइड में आप देख रहे हो कितना प्यारा सा एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है यहाँ पे आने के बाद का। और आप देख रहे हो ये इस साइड का व्यू, एक तरीके से इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस है। और मेरे ख्याल से जैसे जैसे यहाँ पे शाम होगी ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप शाम के टाइम में भी यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं, और इस साइड का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही। तो ये फ्रेंड थोड़ा सा और अंदर आने के बाद का व्यू, और इस साइड का व्यू भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो हम चलते हैं इस साइड, और ये आप देख रहे हो वॉकिंग करते वक्त का जो एक्सपीरियंस है ना, वो दोस्तों तक मैं क्या बताऊँ, इंटरेस्टिंग व्यू है। तो ये फ्रेंड मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था, और मैं बिल्कुल एंड में आ गया हूँ इसके, और एंड में आने के बाद फ्रेंड ये इसका लेफ्ट साइड का व्यू है इस साइड में, और यहाँ से हम लेंगे राइट, और ये राइट साइड का व्यू है। तो हम यहाँ से जाएंगे, इसके बाद पूरा 360 व्यू लेना है हमें, और ये इस साइड का व्यू है जो मैंने वहाँ से दिखाया था आपको। ये वाला व्यू भी फ्रेंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप देख रहे हो शाम के टाइम में कितना प्यारा सा व्यू है, और दोस्तों सच में मज़ा ही आ गया यार, क्या बताऊँ मैं, देख रहे हो आप, वाओ इंटरेस्टिंग। ये देख रहे हो आप, ये बैक साइड का इसके अंदर का व्यू है, और ये कितना प्यारा सा शावर चल रहा है। मेरे ख्याल से जैसे जैसे रात हो गया, जब यहाँ पर लाइट जलेगी ना दोस्तों, तो और भी इंटरेस्टिंग मूवमेंट होने वाला है। और देख रहे हो हमें कुछ काफ़ी ज़्यादा लोग जब वॉकिंग कर रहे हैं, और ये इस साइड का एरिया है, और इस साइड में ये बैक साइड का पूरा एरिया है, ये बैक साइड का। तो फ्रेंड ये है इसके इस साइड का व्यू, और हम यहाँ से चलेंगे आगे, और आप इस साइड का व्यू देख सकते हो, और इस साइड में देख रहे हो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा लोग बाद भी आए हुए हैं और काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। तो आप भी आ सकते हो शाम के टाइम में, और मेरे ख्याल से थोड़ा सा और जब रात हो जाएगी जब का तो एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से कुछ और ही होने वाला है, इंटरेस्टिंग मूवमेंट, जो मेरे ख्याल से शाम तक शायद मैं अगर रुकूंगा तो मैं नोट करूंगा इस चीज़ को, बाकी देखते हैं। और ये इस साइड का एक्सपीरियंस है। तो ये फ्रेंड यहाँ पे ये एक साइड का व्यू, और हम यहाँ से हम बिल्कुल हम एग्जिट कर जाएंगे। आपने पूरा गार्डन देखा, कितना प्यारा सा गार्डन है ये, तो एक बार तो एक्सपीरियंस ज़रूर बनता है। आप डे में आओ या इवनिंग में आओ, इतना प्यारा सा गार्डन है कि सच में मज़ा ही आ जाएगा जब आप यहाँ पे आओगे तो। तो फ्रेंड अब मैं बस आ गया हूँ, और यहाँ से जस्ट बैक साइड में जो वो सामने वाला रास्ता है वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, हमने पूरा पार्क घूम लिया है, आपने देखा अभी पूरा गार्डन का एक्सपीरियंस।
तो आपको जब भी आना हो तो मैंने क्या कहते हैं आपको स्टार्टिंग में बताया है, और ना तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। तो फ्रेंड ये जो गार्डन है ये है आपका मोतीबाग में। मोतीबाग से जैसे ही आप क्या कहते हैं रेल म्यूजियम की तरफ आओगे, जैसे आप रेल म्यूजियम क्रॉस करोगे तो उससे 500 से 600 मीटर आते ही आगे ये लेफ्ट साइड में ये पार्क पड़ता है, और यहाँ पे आप कभी भी आए तो देख सकते हो कितना प्यारा सा व्यू है, और ज़रूर आइएगा। तो मैंने आपको फिर से एक बार एड्रेस बता दिया है, तो फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर।